तो क्या तुम लोग भी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन खेलते हो? हाँ। तो क्या तुम लोग भी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में बहुत अच्छे कंटेंट बना लेते हो? हाँ। पर तुम्हें कोई भी अपनी प्राइवेट लाइफस्टाइल एसएमपी में नहीं ले रहा है? अरे हाँ भाई हाँ। तो आज मैं तुम सबके लिए आया हूँ एक प्राइवेट लाइफस्टाइल एसएमपी, जो कि सिर्फ और सिर्फ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के प्लेयर्स के लिए, जहाँ पे आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो इस एसएमपी के लिए सिलेक्ट होने के लिए आपको ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी होगी, नहीं तो आप आधी अधूरी वीडियो देख के एप्लीकेशन बनाओगे, फिर एप्लीकेशन गलत हो जाएगी और आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो अब बात कर लेते हैं आप इस एसएमपी को ज्वाइन कैसे कर सकते हो। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको इस एसएमपी का नाम पता होना चाहिए, जो कि एग्जाइल एसएमपी, और ये एग्जाइल एसएमपी का सीजन 2 है। और ये एसएमपी सिर्फ सिर्फ माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन क्रिएटर्स के लिए, इसमें पंजाब प्लेयर्स भी अलाउड नहीं है और जावा प्लेयर्स तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। और इस एसएमपी को जो सबसे यूनिक बनाता है वो है इसके कस्टम प्लगइन्स, वो हम अभी रिवील नहीं कर सकते, पर वो वीडियो आते से आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको एप्लीकेशन बनानी है तो आपको उस वीडियो में कुछ यूनिक स्किल्स दिखानी पड़ेंगी, जस्ट लाइक एसएमपी कंटेंट है स्टोरी टेलिंग, क्योंकि भाई एसएमपी कंटेंट अगर आप बना सकते हो तभी आप एग्जाइल एसएमपी की वीडियो एकदम अच्छी बना पाओगे। और बात रही स्टोरी टेलिंग की, स्टोरी टेलिंग से भाई वीडियो अच्छी बनती है। अगर आप स्टोरी टेलिंग अच्छी करते हो अपने एप्लीकेशन में तो आपके 100% चांसेस है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे एग्जाइल एसएमपी में। और अगर इस एसएमपी का थोड़ा बहुत हिंट दिया जाए तो मैं आपको एक हिंट ये दे देता हूँ कि वैसे तो किसी भी एसएमपी में ड्रैगन एग का कुछ काम नहीं रहता, पर इस एसएमपी में ड्रैगन एग का एक बहुत ही ज़रूरी रोल है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ 1% बताया कि एसएमपी में क्या होगा। और आप लोग अगर चाहें तो अपनी एप्लीकेशन में अपने पीवीपी स्किल्स या एमएलजी स्किल्स दिखा सकते हैं, पर वो उतनी मैटर नहीं करती। पर अगर आप चाहें तो अपने बिल्ड स्किल्स दिखा सकते हैं, पर याद रखना आपको खुद के बिल्ड्स दिखाने, कहीं आपको किसी और का चेप के नहीं दिखा देना है हमें, क्योंकि हमें बिल्डर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर अच्छे बिल्ड्स बनेंगे स्पॉन पे तो स्पॉन बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और एसएमपी बहुत ज़्यादा सुंदर बनेगी उससे। तो एट लास्ट में आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको सबसे पहले एडिटिंग दिखानी है अपनी एप्लीकेशन में, आपको अपनी स्टोरी टेलिंग दिखानी है, आपको अपने थंबनेल दिखाने, और साथ ही साथ कोई सी एक गेम स्किल दिखा देनी है जिससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एसएमपी में आने के लिए। और थंबनेल भाई आपको एकदम अच्छे बनाने, किसी और के उठा के नहीं डाल देने, क्योंकि किसी और के उठा के डालोगे तो भाई हमें अलग ही समझ आ जाएगा। और भाई आपके एप्लीकेशंस में ये 2 हैशटैग ज़रूर होने चाहिए, जो कि हैशटैग एग्जाइल एसएमपी एप्लीकेशन और हैशटैग एग्जाइल एसएमपी S1 एप्लीकेशन। तो जल्द से जल्द इस एसएमपी के लिए एप्लीकेशन बनाओ, और हाँ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम मेरे इसी चैनल पर लाइव स्ट्रीम करके आपके एप्लीकेशंस को रिव्यू करेंगे। और अगर आप लाइव स्ट्रीम देखते तो आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे एसएमपी में आने के लिए, क्योंकि आप लाइव चैट में मेरे को कमेंट कर सकते हैं आपका नाम, और हो सकता है उस समय आपकी एप्लीकेशन जल्दी देख लूँगा। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, इसलिए मैंने इसमें आपको ज़्यादा एडिटिंग और ये सब नहीं दिखाई है। पर अगर आपको मेरी एडिटिंग और स्टोरी टेलिंग देखनी है तो आप मेरी एक पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हैं, जो अभी आने वाली एग्जाइल एसएमपी सीजन 2 पे इसी चैनल पर आएगी, तो वो देखना। और एक और बात जरूर याद रखना कि आप जितनी जल्दी एप्लीकेशन बनाएंगे आप उतनी जल्दी इस एसएमपी में आ पाएंगे, क्योंकि अगर आप इस एसएमपी में लेट आते हैं तो आप बहुत सारे डिसएडवांटेजेस फेस कर सकते हैं, जो कि आपका एसएमपी स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेंगे। मैं अभी इसे स्पॉयलर नहीं देना चाहता हूं। तो बस जाके बनाओ एप्लीकेशन, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।